वहीं करण भूषण के काफिले की कार ने गोंडा में दो बाइक सवारों को रौंद दिया। कार ने सड़क किनारे बैठी महिला को भी टक्कर मारी। हादसे में दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि महिला की हालत गंभीर है। ग्रामीणों ने बताया कि कार जिस काफिले में थी उसमें भाजपा प्रत्याशी करण भूषण सिंह भी थे। वे काफिले के साथ बुधवार सुबह करीब 9 बजे हुजूरपुर जा रहे थे। काफिला अभी छतईपुरवा के पास पहुंचा था, तभी एस्कॉर्ट लिखी हुई गाड़ी को ओवरटेक करने लगी। इसी दौरान वह बेकाबू हो गई और बाइक सवारों को रौंदते हुए बिजली के खंभे से जा टकरा गई। गाड़ी ने घर में बैठी हुई बुजुर्ग महिला को भी रौंद दिया।